सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज हुआ है। FIR में प्रिंस राज के बड़े भाई चिराग पासवान पर भी धमकाने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें करीब 3 महीने पहले युवती ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी कि प्रिंस ने उसका यौन शोषण किया है, जान से मारने की धमकी भी दी है और इतना ही नहीं प्रिंस ने सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की है। हालांकि पुलिस ने उसकी शिकायत पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं युवती पहले भी बता चुकी है कि वो प्रिंस राज के साथ लंबे समय तक रही और इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव के दौरान प्रिंस के समर्थन में प्रचार करने के लिए समस्तीपुर भी आई थी। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मामला अब दर्ज हुआ है, FIR में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो पुलिस ने मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, सांसद प्रिंस राज के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सांसद प्रिंस राज के खिलाफ ये केस दर्ज होने के साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान का नाम भी इसमें शामिल है। कोर्ट के आदेश के बाद यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। FIR में चिराग पासवान का नाम भी शामिल। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो पुलिस ने मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन अब मामला दर्ज कर लिया गया है। तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता नेहा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नेहा, क्या कुछ जानकारी, FIR अब दर्ज की गई है, हालांकि ये युवती लगातार आरोप लगा रही थी, ऐसे में चिराग पासवान पर भी FIR? पैच कीजिए, कट गया है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। नेहा हमारी संवाददाता दिल्ली में बनी हुई है, लेकिन आपको एक बार विस्तार से यह खबर बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है जहां कनॉट प्लेस थाने में ये पूरा केस दर्ज हुआ है। युवती ने प्रिंस राज पर आरोप लगाया था, शोषण का मामला अब दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। FIR में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता नेहा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नेहा, क्या कुछ जानकारी, युवती ने पहले भी आरोप लगाए थे कि पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन अब तो FIR दर्ज हो गई है, चिराग पासवान का नाम भी शामिल है, अपडेट क्या है? देखिए, मेरी अगर आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो ये जो है मामला, ये 3-4 महीने पहले का है, आपको याद भी होगा प्रीति, स्वाति पटेल खुद सामने आई थी और स्वाति पटेल सामने आके उन्होंने आरोप भी लगाया था कि उनके साथ जब वो विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गई थी बिहार, तो उस वक्त उनके साथ सामूहिक तौर पे गलत व्यवहार किया गया था। और इसके साथ ही इसमें सांसद प्रिंस राज को उन्होंने सीधे तौर पे लिया था कि एक कुछ महीने के लिए वो दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप था, दोनों एक रिश्ते में थे, लेकिन उसके बाद उन दोनों में अनबन हुई है और लगातार जो सांसद प्रिंस राज है उनके ऊपर हमेशा ज़ोर ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते थे। और यही मामला वो पहले जो है उन्होंने जब मामला दर्ज कराया था तो इस मामले को शांत कराने के लिए चिराग पासवान और उनके निजी सहयोगी भी उस वक्त गए थे, लेकिन और इसीलिए इस पूरे FIR में पहले ये शिकायत दर्ज हुआ था और अब जाके ये FIR में तब्दील हुआ है। तो जब ये शिकायत दर्ज हुआ था उस वक्त चिराग पासवान उनके निजी सहयोगी का भी नाम इसमें था कि इस मामले को दबाने का प्रयास चिराग पासवान उनके निजी सहयोगी ने किया था। और ये मामला प्रिंस राज के ऊपर था कि प्रिंस राज पहले स्वाति पटेल से दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद वो लोग कुछ वक्त के लिए एक रिलेशनशिप में भी थे और उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया था, खुद स्वाति पटेल ने अपने इंटरव्यू में हमारे चैनल पर भी कहा था, लेकिन जब वो उन दोनों में दोस्ती नहीं होती है, बात होना बंद हो जाता है, गलत व्यवहार कई बार प्रिंस राज ने किया था, तस्वीर खींचने और वीडियो बनाने का आरोप भी इस शिकायत में प्रिंस के ऊपर लगा हुआ है। और इसके साथ ही वीडियो बना के लोगों तक भेजने का भी आरोप इस शिकायत में स्वाति ने लगाया था कि उनके अश्लील वीडियोस बनाए गए थे और उस वीडियो को दिखाते हुए लगातार ब्लैकमेलिंग किया जाता था स्वाति के साथ और स्वाति के साथ लगातार गलत व्यवहार सांसद प्रिंस राज ने लंबे समय तक किया। ये आरोप स्वाति पटेल ने प्रिंस राज के ऊपर लगाया था। स्वाति पटेल जब बिहार विधानसभा खत्म हो गया था, खत्म होने के बाद जनवरी में ये मामला लेके सामने आई थी और फरवरी में उन्होंने
केस दर्ज कराया था इसी साल के फरवरी में, ये उन्होंने शिकायत दर्ज कराया था कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन में ही। लेकिन उस वक्त एलजेपी में सब कुछ ठीक था, चिराग पासवान भी अपने भाई का पक्ष लेते हुए दिख रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामले को शांत कराने का प्रयास किया था और इसमें उनके निजी सहायक का भी बहुत बड़ा हाथ था, इसमें उनका भी नाम है। इन सभी लोगों ने उस वक्त इस मामले को शांत कराया था। उसके बाद स्वाति का नाम जब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए एफआईआर में नाम सीधे तौर पर दिया गया है और लगातार युवती की ओर से ही कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को इस बारे में सारी जानकारी थी, इस बारे में भनक थी, चिराग पासवान पर भी उन्होंने धमकाने का आरोप लगाया था, तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई। बिल्कुल, देखिए चिराग जैसे ही विधानसभा खत्म हुआ था, स्वाति का पूरा पूरी जो कहानी है उसके अनुरूप अगर आप देखते हैं तो बिहार विधानसभा खत्म होने के बाद दिसंबर को स्वाति ने पूरे मामले को चिराग पासवान के सामने रखा था कि उनके और प्रिंस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, प्रिंस लगातार उनको धमकी दे रहे, उनको उनके पास कुछ वीडियोज़ है, कुछ फोटोज़ है, ये सारे मामले सांसद चिराग पासवान के सामने भी रखा गया था दिसंबर में। लेकिन चिराग पासवान ने कहा था कि मैं दोनों पक्षों को सुनूंगा, सुनने के बाद कोई फैसला लूंगा, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने भाई को ये दिया था कि तुम जाओ पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में हालांकि पहले स्वाति गई हुई थी, शिकायत दर्ज कराया था। लेकिन नेहा बिल्कुल आपको बीच में रोकना चाहूंगी, एलजेपी नेता श्रवण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है जीबीआर झारखंड पर। सवाल यही है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है प्रिंस राज के खिलाफ भी, चिराग पासवान का नाम भी शामिल है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए मेरी प्रतिक्रिया यही है कि देश में न्यायपालिका जो हमारा न्यायतंत्र है वो पूरे विश्व में, हमारा न्यायतंत्र का सब सारे विश्व के लोग सम्मान करते हैं और हमें भी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। और जहां तक रही मामला दर्ज होने का, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिस समय आज से दो महीना पहले जिस समय संसदीय दल का नेता, पांचों सांसदों में चारों सांसदों ने, उसमें प्रिंस राज जी भी थे और सत्यपति कुमार पारस जी को अपना संसदीय दल का नेता चुना और लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को इसकी चिट्ठी सौंपी, तो उसी समय एक हमारे नेता जो हमारे एमपी हैं उनका ट्वीट आता है और वह प्रिंस राज जी पे आरोप लगाते हैं उत्पीड़न का। और उसके बाद यह स्वाति नाम की महिला मीडिया में आती है और आरोप लगाती है। तो जान लीजिए प्रिंस राज जी ने जनवरी महीने में ही, जनवरी के माह में ही इस महिला पे एफआईआर दर्ज कराया था और जनवरी में ही एफआईआर में प्रिंस राज जी ने इस बात का जिक्र किया था कि यह महिला ब्लैकमेल कर रही है उसकी भी उस श्रवण जी, यानी आपको लगता है कि महिला ब्लैकमेल कर रही है, महिला खुले तौर पर ये कह रही है कि प्रिंस राज ने उनके साथ यौन शोषण किया, चिराग पासवान को इसकी भनक थी, चार महीने पहले महिला ने आवाज उठाई, महिला का कहना था मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? नहीं जान लीजिए मैं बता देना चाहता हूँ, जनवरी माह में प्रिंस राज जी ने मामला दर्ज कराया और जनवरी से लेकर ये जून तक कहाँ थी, जून तक किसने इसका आवाज दबाया और जून के बाद यह मीडिया में आकर जोर जोर से आवाज बुलंद करने लगी, तो जून तक यह आवाज किसने दबाया और जून के बाद यह चैनलों पर बैठ के मैं आवाज बुलंद करने लगी, किसी ने इसका आवाज नहीं श्रवण जी कराया। आपको क्या लगता है सियासी भू आ रही है आपको इन आरोपों से? जान लीजिए पूरी तरह से हमारा देश जो है, इस देश में महिलाओं का पूरा देश सदियों से महिला और महिला शक्ति का हम लोग सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ चलिए आप हमारे साथ श्रवण कुमार जी बने रहिए, राजू तिवारी हमारे साथ नेता जुड़ चुके हैं एलजेपी से, आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? राजू जी आप क्या कहना चाहेंगे? श्रवण जी का तो ये कहना है सीधे तौर पर कि आरोप बेबुनियाद है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। देखिए आरोप बेबुनियाद है या सही है ये तो निर्णय अपना जांच में होगा और मैं कोई जांच अथॉरिटी नहीं हूँ, भारत में संविधान है और संविधान के तहत सारे लोग आते हैं, कोई भी आरोप गलत है या सही है इसका आपको जांच होगी, अपना पुलिस अपना काम करेगी, ये तो उन पुलिस का अपना काम है, इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते। लेकिन सीधे तौर पर इस महिला का कहना है कि जब ये पार्टी के तमाम लोगों के पास पहुंचती है, खासकर के चिराग पासवान के पास
पास पहुंचती है, जिनको इस विषय में सारी जानकारी थी, उन्होंने भी गलत व्यवहार किया महिला के साथ, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ये मैडम ये टोटल वो गलत बोल रही है, वो पार्टी में थी, हमारे नेता से संपर्क थी। हाँ। अब प्रदेश अध्यक्ष हम है, अगर कोई काम करते हैं तो नेता उसमें जिम्मेदार, नेता की जानकारी में जब आई बात तो अपने सांसद को उन्होंने स्पष्ट कहा और इन महिला को भी राय दिया कि आप लोग दोनों लोगों का क्या मैटर है, वो लोग आप जानते हैं, बाकी तो कोई जानता नहीं है, तो दोनों जो लोगों लोग हैं वो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। मेरे नेता स्पष्ट बोले राजू जी, आपको नहीं लगता कि अब प्रिंस राज को सामने आना चाहिए, सामने आके राजू जी आपको नहीं लगता कि अब प्रिंस राज को सामने आना चाहिए? तमाम आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, 4 महीने पहले भी आरोप लगे थे, अब सच्चाई का खुलासा करना चाहिए, सामने आना चाहिए अगर आरोप बेबुनियाद है। हालांकि देखिए जांच तो की जाएगी, एफआईआर दर्ज हो गई है तो जांच तो होगी ही, लेकिन अब सामने आने का वक्त है, एकदम आना चाहिए। अगर आप गलत नहीं किए हैं तो आपको सामने आना चाहिए, फेस करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बोले हैं उस महिला से कि आप कानून का रास्ता लीजिए, अगर आप लोग आपने क्या है, आप लोगों की दोस्ती है क्या है, ये लोग आप ही लोग ने जानते हैं, बाकी तो हम लोग कुछ जानते नहीं थे। हमारे नेता तो जब मामला बिगड़ा तब वो जाने, और हमारे नेता स्पष्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बोले कि आपस में अगर मामला नहीं बन क्या होता है तो आप लोग कानून का शरण लीजिए, हमारे यहाँ संविधान है, कानून का शरण लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बिल्कुल, देखना लाजमी होगा कि प्रिंस राज कब सामने आते हैं। राजू जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, श्रवण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, किस तरीके से कहा जा रहा है कि जांच तो हो रही है लेकिन अब कहीं ना कहीं वक्त है कि प्रिंस राज सामने आए और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है उसका खुलासा करे। एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है, बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पुलिस ने मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था लेकिन अब एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार में वायरल फीवर